हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिप्रा एज़वर, यानी कि शिप्रा की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। और ये जो क्लिप है ना, ये धनतेरस से एक दिन पहले की क्लिप है। मैं रात को ही गुजिया बना रही थी तो उसकी थोड़ी थोड़ी क्लिप्स मैंने ले ली थी। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो बस मैंने यहाँ पर नारियल का बुरादा लिया है और मैंने चीनी का पाउडर लिया है, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं, इलायची यहाँ पर कूट करके इसमें मिक्स कर दूँगी और फटाफट गुजिया बना दूँगी। और मैंने ये रात को बनाए थे, 9:30 का टाइम हो चुका था उस वक्त। तो ये देखिए गुजिया बनकर मेरी रेडी है, बस अब इनको तलना बाकी है तो इन्हें तल लूँगी और गुजिया का काम भी मेरा फाइनली हो ही जाएगा। तो धनतेरस से पहले ना ये बनाने करने के काम से मैं सोची हूँ फ्री हो जाऊँ ना, तो फिर घर को सजाने का काम भी रह जाएगा। और मैं इससे इस ब्लॉग से पहले आपको होम टूर भी दे दूँगी, तो उसकी भी मेरी तैयारी है पूरी। मे बी इस ब्लॉग से पहले मेरा होम टूर आ जाएगा तो ये ब्लॉग बाद में आएगा। और ये है धनतेरस वाला दिन, इवनिंग टाइम का टाइम है यहाँ पर। और यहाँ पर लग रही है लाइटिंग, अथक और उसके पापा यहाँ पर लाइटिंग लगा रहे हैं। और क्योंकि ना रात को लाइटिंग जलानी है, इस वजह से यहाँ पर लाइटिंग लग रही है। उसके बाद नीचे बालकनी में लाइटिंग लगाने के बाद ये लोग ऊपर छत में आ गए थे, तो मैं भी थोड़ा सा देखने के लिए आ गई थी कि किस तरीके से लाइटिंग लगा रहे हैं। तो यहाँ पर अथक और मेरी कुछ बातचीत चल रही थी, वो कुछ मुझे बता रहा था, तो अपने फ्रेंड्स की बातें बताता रहता है। तो वो कुछ बता रहा था मुझे, मम्मी उसके यहाँ पे ऐसा होता है, उसके यहाँ पे ऐसा होता है, ऐसा कुछ करके। और ये बिल्कुल इवनिंग टाइम का टाइम है और यहाँ पर दिए लगाने थे मुझे, तो 7 दिए लगाते हैं हमारे यहाँ पे। जैसे 500 मंदिर के होते हैं पूजा के, 2 गेट पे लगते हैं जैसे दिए, 2 गेट के दिए बोलते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो ये बस मैं दिए लगा रही हूँ और पहले मंदिर में आरती हो जाती है और दियों से, उन्हीं दियों से आरती होती है। और वही जो दिए हैं ना, वो दिए लगाए जाते हैं बाहर घर की, जैसे दीवार होती है ना मुंडेर वगैरह, उसमें लगाए जाते हैं। तो जो हमारे पूर्वज हैं उनके आगे भी थोड़ी सी आरती कर दी जाती है। और एक दिया मंदिर में रख दिया जाता है और एक तुलसी जी में, और बाकी बाहर लगा दिए जाते हैं इस तरीके से। और उसके बाद ना हम लोग लाइटिंग देखने के लिए निकलना था हम लोगों को, तो मैंने आपको कहा सोचा कि पहले घर की लाइटिंग दिखा देती हूँ, उसके बाद बाहर की मार्केट की भी सारी लाइटिंग दिखा दूँगी। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं हमारा जगमगाता बीकानेर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और आज है छोटी दिवाली, तो आप सभी को छोटी दिवाली की अनेक अनेक शुभकामनाएं। मैं नहा धोकर रेडी भी हो चुकी हूँ और मैंने खाना भी बना लिया है। खाने में बस इडली सांभर बनाया है अभी, क्योंकि बहुत से छोटे छोटे काम है। आज भगवान जी को भी नई ड्रेस पहनानी है और मंदिर को भी थोड़ा सेट करना है, तो ये सारे काम करने, और इस वजह से ब्लॉग मैंने कल ही शुरू कर दिया था। तो अभी तो मैंने कहा चलो आप लोगों को शुभकामनाएं भी दे देती हूँ छोटी दिवाली की।
कहीं कहीं तो आज धनतेरस मान रहे, लेकिन हमारे यहाँ पे कल ही मान ली थी सब जगह पे, तो हमने भी कल ही मान ली थी। तो अभी आपको धनतेरस में थोड़ा बहुत सामान लाएगी, ड्रेसेस वगैरह भगवान की, वो दिखाऊंगी। पहले सबको खाना खिला देती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी इडली भी बनकर रेडी है यहाँ पर। आज बहुत ही बढ़िया फ्लफी इडली बनी है और सांभर भी गर्म हो रहा है अभी। और फिर थोड़ा सा मंदिर डेकोरेट करूंगी और चीज़ें भी आपको दिखाऊंगी, फिर मिलूंगी आपसे। सभी खाना वगैरह सब हमारा हो चुका है, लंच से मैं फ्री हो चुकी हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों को कल जो ड्रेसेस लाई हूँ ना ठाकुर जी के लिए, बाकी भगवान जी के लिए, गणेश जी, राधा कृष्ण जी के लिए, तो उन सबकी जो ड्रेसेस हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ अभी कल धनतेरस का। बट ज़्यादा कुछ मैं नहीं लाई क्योंकि अभी थोड़ा सा रिस्क हो जाएगा मार्केट में जाना, भीड़ में खड़े होना, इस वजह से हमने थोड़ा बहुत ही बस ठाकुर जी की ड्रेसेस वगैरह, पूजा पुड़ा वगैरह लिया था, ज़्यादा कुछ नहीं लिया था, छोटी सी शॉपिंग बस कर ली थी धनतेरस पर। तो दिखाती हूँ आपको कि क्या क्या लिया है। एक मैं ट्राईपॉड सेट कर लेती हूँ, हाँ अब सेट है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैं कल बहुत ही छोटी छोटी शॉपिंग करके लाई हूँ। तो एक तो ये ड्रेस ले गई हूँ ठाकुर जी के लिए, मुझे अच्छी लगी, इसमें रेड भी है, येलो भी है, रानी कलर भी है, तो मैंने मुझे भी यही पसंद आई और इनको भी यही पसंद आई। वर्क वाली ड्रेसेस हैं मेरे पास, इसलिए मैंने ये लिए। वैसे इसमें भी लेस वगैरह लगी हुई है, ये साटन के कपड़े की ड्रेस है, तो ये वाली मैंने ठाकुर जी के लिए ली है। और एक छोटे ठाकुर जी के लिए भी ली है, वो बहुत प्यारी है, छोटी सी ड्रेस है, दिखाती हूँ अभी। ये हमारे छोटे से लड्डू गोपाल जी हैं, हालांकि वो बहुत छोटे हैं, ड्रेस उनको बड़ी रहेगी, लेकिन फिर भी मैंने कहा उनके लिए भी, उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है ड्रेस लेना, वो बहुत ज़्यादा छोटे, तो फिर उनके लिए ये वाली ड्रेस ली है। वो बिल्कुल कवर हो जाएंगे इसमें, बट मैं कोशिश करूँगी कि वो कवर ना हो, तो ये वाली मल्टी कलर वाली ड्रेस उनके लिए ली। आज ही मैं पहना दूँगी सबको सारी नई नई ड्रेसेस। और बाकी जो भगवान है ना, जैसे गणेश जी है, राधा कृष्ण जी हैं, उन सबकी मैंने सेम ली है। तीन पीतल की मूर्तियां हैं हमारे यहाँ बहुत पुरानी, जैसा कि जो लोग मुझे रेगुलर देखते हैं उन्हें पता होगा, तो उनके लिए मैंने ये वाली ड्रेस ली है, चार सेम ली है, एक जैसी अच्छी लगती हैं क्योंकि सब भगवानों को। तो ये स्काई कलर, फिरोजी सा कलर है, वो ली है मैंने ये। और ये एक ही लेके आई बस, वो जो होता है ना दिवाली में चढ़ाने वाला सामान, ये लेके आई। और एक पूजा पुड़ा खरीदा, और ये वाला, ये इस तरीके से है। और इसमें सारा सामान है, जैसे अगरबत्ती भी है, रोली अक्षत भी है, पूजा का टोटल सामान है इसमें, जो भी भगवान को चढ़ता है ना वो सब कुछ है इसमें। सिंदूर है, कच्चा सिंदूर जो होता है वो है। और सबसे खास बात इसमें ये है कि इसमें सिक्का है, हालांकि चांदी का नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें गणेश जी और लक्ष्मी जी का सिक्का नहीं होता दिवाली पर, वो है ये। तो ये बस छोटी सी शॉपिंग कल धनतेरस में की थी, ज़्यादा शॉपिंग नहीं की, वही भीड़ भाड़ की वजह से। नहीं तो मैं हमेशा तो कुछ बर्तन वगैरह भी खरीदती हूँ, और एक बार पहले मैं चांदी के वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, श्री यंत्र जी, वो भी लेके आई थी। ऐसे करके कुछ ना कुछ लाती हूँ, मैंने कहा चलो इस बार छोटी शॉपिंग ही सही, कुछ तो लाएंगे धनतेरस पर, तो ये लेके आए बस, ये छोटी सी शॉपिंग थी। तो अभी बस भगवान जी को ड्रेस चेंज करूँगी, मंदिर थोड़ा सेट करूँगी, तो वो भी आपको दिखाऊँगी। तो फटाफट नीचे जाती हूँ, फिर वो सेट करके ही आपको दिखाऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो येलो माला थी ना मंदिर की, वो भी मैंने लगा दी है, और अच्छे से पहले साफ़ तो कर ही दिया था,
मंदिर को और भगवान जी को भी मैंने न्यू ड्रेसेस आज ही पहना दी हैं, क्योंकि कल फिर मुझे और भी बाकी काम करने, तो आज मैं सारी न्यू ड्रेसेस पहना दी भगवान जी को, और जो आसन है वो भी मंदिर के लगा दिए, और ये जो मोतियों की मालाएं हैं ना उनसे मंदिर को डेकोरेट कर दिया है। और ये मोतियों की माला मेरे पास बहुत पहले से रखी थी, तो मेरे माइंड में आया कि इन मालाओं से क्यों ना मंदिर को सजाया जाए। तो ये देखिए, भगवान जी के दर्शन भी आप कर लीजिए और मंदिर की सजावट आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये टेप की सहायता से मैंने ये मालाएं सारी लगा दी हैं मंदिर में। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में इतना ही। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। मिलेंगे फिर किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।